हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेजू सिलाई ट्यूटोरियल। सिंपल राउंड शेप के नेक में आज हम खूबसूरत से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसे देखकर सिंपल तरीके से ब्यूटीफुल से नेक डिज़ाइन बना सकते हो। जिसके लिए 1.5 इंच की चौड़ाई वाली एक पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, देन हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो या फिर सिंगल सिलाई भी लगा सकते हो। आप देख सकते हैं पट्टी के दोनों किनारों को अंदर की ओर फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। आप देख सकते हैं डबल सिलाई भी मैंने कुछ इस तरह से लगा ली है। जैसे ही हमारी एक पट्टी कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाए, हमें 1 से 1.5 इंच के समथिंग छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से सारी पट्टियाँ कुछ इस तरह से हमें कट कर लेनी है। 1 इंच से थोड़ी सी बड़ी पट्टी होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं सारी पट्टियाँ हमारी कट होकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, देन हम नेक के साइड में यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। कुछ इस तरह से फोल्ड करके अटैच करते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें रखना है, देन ऊपर की ओर इस तरह से सिलाई लगाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो धीरे धीरे करते हुए एक एक को हमें फोल्ड करना है, रखना है, देन उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही प्रोसेस हमें राउंड शेप का जो हमारा नेक है उसमें करते हुए जाना है और आगे की ओर बढ़ना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने जो भी बन है उसे इस तरह से फोल्ड करना है, रखना है और ऊपर से सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और हमारा जो नेक है ये जो बन है अंदर की ओर लगे हुए उसे पूरा कवर करना है। ये देखिए अच्छे से हमारे बन लग के रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई और लेंथ कम से कम 4 इंच के समथिंग होना ज़रूरी है। इसे फोल्ड करना है, समोसे वाली डिज़ाइन बनाना है ट्रायंगल शेप में, देन उसके ऊपर एक सिलाई हमें लगा लेना है। ऐसे करते हुए कम से कम हमें 5 लीफ बनाकर रेडी कर लेनी है। तो आप देख सकते हो एक के बाद एक हमने इस तरह से लीफ बना ली है, 5 लीफ हमने बना ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे और जो भी ज्वाइनिंग धागा है उसे भी हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमने 5 लीफ बनाकर रेडी कर ली है, इसे हम एक धागे की सहायता से कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि हमें जो लीफ है उसमें छोटे छोटे से हमें यहाँ पे टाके लगाने हैं, देन उसे इस तरह से शेप दे देना है। तो एक के बाद एक हमें इस तरह से छोटे छोटे से यहाँ पर टाके लगाने हैं और आगे की ओर बढ़ना है। तो कुछ इस तरह से हमने गैदर्स बना लिए हैं। तो सारे लीफ हमें धागे में पिरो लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं 5 लीफ हमने कुछ इस तरह से पिरो लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जमा लेंगे, देन इस तरह से पकड़ना है और धागे को खींचना है। तो धागे का जो लास्ट वाला पार्ट है उस पर हमें इस तरह से नोट लगा लेना है। धागे की दोनों साइड को इकट्ठा करके इस तरह से हमें नोट लगा लेना है। आप देख सकते हो अब 2 से 3 नोट यहाँ पर टाइटली लगा ले ताकि हमारा जो फ्लावर वाला शेप है कंटिन्यू बना रहे। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा फ्लावर है, बनके रेडी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप चाहो तो बड़े लटकन भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटे छोटे लटकन बनाकर तैयार कर लूँगी। आप चाहो तो थोड़े बड़े कपड़े से बड़े लटकन भी बना सकते हो। 5 इंच के समथिंग मैंने डोरी ले ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ हमने छोटे छोटे से नॉर्मल तरीके से लटकन बना लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कैंची की सहायता से कट कर लेना है और इसे पलटा लेना है। आप देख सकते हो पलटा लेने के बाद आप इसे अच्छा सा एक शेप दे सकते हो, राउंड शेप या फिर सीधे सीधे भी कट कर सकते हो। देन हमारे जो लटकने बनके रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने नेक बनाया है उस नेक पर ऊपर से एक पतली सी लेस लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लेस लगाना है। चाहो तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर पतली लेस हो तो एक सिलाई पे भी काम चल जाता है। देन पूरे नेक पर हमें पतली सी एक लेस लगा लेना है। जैसे ही हमारी लेस लग जाए तो जो कलर हमने अंदर की ओर लगाया था वही कलर का जो फ्रिल हमें बाहर की ओर भी लगाना है। अगर आपके पास फ्रिल अवेलेबल ना हो तो आप घर पे भी बना सकते हो, मशीन पे इजीली वो बन जाता है। मैंने बहुत सारे नेक डिज़ाइन बना के बताए कपड़े से किस तरह से फ्रिल वाली लेस बनाकर तैयार करें। और ये जो लेस है मेरी ये ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थी रेडीमेड, यही मैं यहाँ पर लगा लूँगी। देन यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रिल वाली लेस अटैच कर ली है। सेंटर में हमें चौक से निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद हम फ्लावर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले डोरी अटैच करना ज़रूरी है। तो एक पिन मैंने ले ली है, पिन में डोरी को अटैच कर लिया है और बन के अंदर एक के बाद एक कुछ इस तरह से डालते हुए हमें पूरे नेक को कवर कर लेना है।
तो आप देख सकते हो ये डोरी को कुछ इस तरह से हम डालेंगे और पूरे नेक में हम इस तरह से डोरी को डालते हुए कवर कर लेंगे। डोरी तो हमने अच्छी तरह से इस तरह से अटैच कर ली है। अब हम फ्लावर अटैच करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा जो हमारा लटकन है बचा हुआ उसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर मशीन की सहायता से सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो 2 से 3 बार मैंने कुछ इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा ली है। सुई और धागे की हेल्प से आप फ्लावर अटैच कर सकते हो, क्योंकि अगर जो फैब्रिक है वो मोटा हो तो मशीन नहीं चलती है, अगर पतला हो तो मशीन चल जाती है। तो मैंने इस तरह से मशीन की हेल्प से ही फ्लावर को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। देन सेंटर में मोती रखना है, डिज़ाइन बनके रेडी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।